लंबी कविताओं की श्रृंखला में भी एक कविता है औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें चिता में जल कर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालतों में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिग्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजों और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्लभ ने भुजबल के नाम की होगी। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूद कर या चिता में जल कर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात को दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने एक भित्ते के आंगन में अपनी सात भित्ते की देह को ताजिंदगी समोए रही है। कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं, और जब वह बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई मां मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती मां की तरह उठी है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तंबुओं से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं। और महारानियां सती होने की तैयारी कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती हैं, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी वो मेरी माँ ही रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये नहीं।